आप कबीर को मानते, कबीर की नहीं मानते? कितने दोहे राम जी पर उन्होंने लिख दिए, कितने कबीर जी ने दोहे राम पर बोले हैं, उन्होंने स्वीकार किया भगवान को, फिर भी आप नहीं मानते, फिर भी आप कह रहे हो कि कबीर कबीर भगवान। अरे बेचारे संत फकीर बेचारे हैं, भक्ति चेंज कर दी आप लोगों ने, उनको भगवान ही बना दिया, कमाल कर दिया आपने तो। मैं देव श्री रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब, मैं नेहा पठानकोट पंजाब से हूँ। मेरा जवाब विजय जी से है, जिसने ये कहा था कि कबीर साहेब को हमने भगवान कैसे कहा है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु नानक देव जी ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी में अपनी वाणी के थ्रू बताया है कि कबीर साहेब भगवान हैं। तो उन्होंने 721 नंबर पृष्ठ पर पूरा साफ साफ किया हुआ है कि कबीर साहेब भगवान है। उन्होंने लिखा है 721 नंबर पृष्ठ पर लिखा है, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। बेऐब मतलब जिसमें कोई ऐब नहीं है, परवरदिगार मीन्स रब, रब नू परवरदिगार कहते हैं असी पंजाबी दे विच। ते उन्होंने साफ साफ कर दिता है ते रब कौन है। फिर उन्होंने दसिया है पेज नंबर 24 दसिया है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार, नानक नीच कहे विचार, ए तानक रूप रहा करतार। तानक रूप हमें सबको पता है कि धानक रूप में कबीर साहिब आए थे, जुलाहा रूप में आए थे वो इस धरती पे। और गुरु नानक देव जी ने ये साफ कर दिया है, वो तानक रूप रहा करतार, कि वो तानक रूप रब है, करतार मतलब रब भगवान। तो जब उन्होंने ये साफ कर दिया तो हम कौन रह गए ये कहने के लिए कि वो तो एक दास थे, कबीर दास थे या वो एक कवि थे। फिर पूरन गुरु, तो पूरन गुरु की पहचान मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कि गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी है, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, सोए गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे, तब निज प्राणी घर को जावे। तो वो कौन से घर की बात कर रहे हैं, सतलोक की बात कर रहे हैं, कि सतनाम मंत्र जो दो अक्षर का भेद है वो हमें हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है, और इसीलिए हम उनको पूरा गुरु कह रहे हैं, और जो कि गुरु नानक देव जी की बात।